एहसन पर तो मैं खुद नजर रखे हुए, लेकिन सारा पे नजर रखना आज से तुम्हारा काम है, समझी? वो घर से कब जाती है, कब वापस आती है, किससे मिलती है, फोन पे किससे बात करती है, मुझे एक एक रिपोर्ट चाहिए, समझ गई हो ना? फैंटास्टिक, तुम प्लीज जाओ, यहाँ से ट्रेनिंग चल रही है यहाँ। तो आखिर तुम अपना जासूस इस घर में ले ही आई? मुझे तुम्हारे किसी फजूल सवाल का जवाब नहीं देना, जाओ यहाँ से। क्यों? तुम्हारे बाप का घर है। मुझसे पंगा लेने का अंजाम तो तुम देख ही चुकी हो, भूल गई हो क्या उस दिन का थप्पड़? तुम्हें कहा था ना अपनी हद में रहो, मेरे रास्ते में आओगी तो पछताओगी। अभी तो सिर्फ तुम्हें एक थप्पड़ पड़ा है सारा। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा बाप तुम्हें बेइज्जत करके धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा। इस खुशफहमी में मत रहना, समझी? बहुत खेल खेल चुकी तुम मेरे साथ, अब और नहीं खेलने दूंगी। तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि पहली चाल तुम जीत गए, अब मेरी बारी है। बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा बाबा के सामने लेकर आऊंगी मैं। तुम क्या मेरा मुकाबला करोगी? अपना वक्त ही बर्बाद करोगी तुम? तुम जल्द से जल्द अपनी शादी करके यहाँ से चली जाओ सारा, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वरना वरना क्या? वरना पूरी दुनिया के सामने तुम्हें रुस्वा कर दूंगी, बदनाम कर दूंगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। वो थप्पड़ तो सिर्फ अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। ज्यादा बड़े मंसूबे मत बनाओ शाजमा, क्योंकि इतनी देर तो मैं तुम्हें इस घर में टिकने ही नहीं दूंगी। तुम मेरे बाबा की दौलत हथियाने आई हो ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, भूल है तुम्हारी। तुम जैसी मासूम लड़की के मुंह से ये धमकियां अच्छी नहीं लगती। हरीफ अगर दमदार हो तो मुकाबले का मजा आता है, अब मेरा और तुम्हारा भला क्या मुकाबला? मुझसे पंगा लेकर तुम अपना ही नुकसान करोगी। तुम मुझे भी ठीक से जान नहीं पाई, जिस दिन जान गई डर के भाग जाओगी तुम। डर कर तो बुजदिल भागते हैं शाजमा, और एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो कि मैं बुजदिल नहीं। Want to watch more and get updated? So follow AIY Digital's YouTube page.